हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा आज हम क्या डिस्कस करेंगे? पावर कंज्यूम इन प्योर रजिस्टर, इन प्योर इंडक्टर एंड इन प्योर कैपेसिटर। सो वी नो इन रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट बोथ आर मूविंग विद सेम फेज एंड बोथ आर हैविंग 0 डिग्री फेज डिफरेंस। इन इंडक्टर वोल्टेज एंड करंट आर हैविंग 90 डिग्री फेज डिफरेंस। इन कैपेसिटर वोल्टेज एंड करंट आल्सो हैविंग 90 डिग्री फेज डिफरेंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर पावर लॉस इन पावर कंज्यूम इन प्योर रजिस्टर। नाउ इफ वी हैव pure resistor across AC. Now this is alternating voltage source and this is equation of current. Now according to formula of average power, that is equal to V average into I average. Now it may be written as V naught sine omega t, putting sine of average into I naught sine omega t, put average sine on complete equation. Now it becomes V naught I naught sine square omega t. Now see that V naught and I naught both are constant values, maximum values, and their average will be same, V naught and I naught. Now sine square theta is equal to 1 minus cos 2 omega t upon 2. If we are taking average over sine square omega t, then average of 1 minus cos 2 omega t upon 2 will be only 1 by 2, because cos 2 omega 2 will vary from minus 1 to plus 1. And average of cos 2 omega t becomes 0. It means average value of cos 2 omega t equal to 0. इसका रीजन ये है, cos 2 omega t आपका वेरी करता है माइनस वन से प्लस वन, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 होगी, क्योंकि cos 2 omega t जो वेव बनाएगा उस वेव के अंदर पॉजिटिव पोर्शन और नेगेटिव पोर्शन इक्वल अमाउंट में होंगे, और उन दोनों पोर्शन को अगर आप ऐड करोगे, उनका एवरेज लोगे, तो आपका आंसर जीरो आएगा। तो ये बेटा आपको क्लियर होना चाहिए कि आंसर आपका जीरो कब आएगा और कब एवरेज में आपका आंसर जीरो नहीं आएगा। तो cos 2 ओमेगा 2 की अगर आप वेव बनाओगे तो वेव कैसी बनेगी? वेव आपकी इस टाइप से बनेगी। अब आप चेक कर सकते हो, दिस इज पॉजिटिव पोर्शन, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो अगर आप cos 2 ओमेगा t की वेव बनाओगे, वेव वैसी बनेगी, और इसमें इक्वल पॉजिटिव पोर्शन है और इक्वल नेगेटिव पोर्शन है। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको एवरेज वैल्यू जीरो ही मिलेगी। Now we have average value of sine square omega t equal to 1 by 2. Now it becomes V naught I naught into 1 by 2. Now it is V naught upon 2. It is I naught upon 2. Sorry, under root 2, under root 2. Now it is formula of VRMS into IRMS.
तो आपके पास एवरेज पावर का फार्मूला आ चुका है, किसमें? प्योर रजिस्टर में। और ये फार्मूला है VRMS इंटू IRMS। तो अगर हमें कभी भी वोल्टेज की इक्वेशन गिवन हो लाइक दैट 20 sin 314 t एंड करंट इक्वल टू 10 sin 314 t और आपसे पूछा हो कि इस सर्किट के अंदर जहां पर ये वोल्टेज आपकी अप्लाइड है और ये आपका करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर पावर लॉस क्या होगा, तो आपके पास फॉर्मूला है VRMS इंटू IRMS। तो एवरेज पावर क्या आएगी, दैट इज 20/√2। नाउ 10/√2, नाउ इट बिकम्स 200/2, इट इज 100 वॉट, दैट इज एवरेज पावर डेवलप्ड इन प्योर रजिस्टर सर्किट। एवरेज पावर डेवलप्ड इन प्योर रजिस्टर सर्किट। तो आपको अगर इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। सो दिस इज एवरेज पावर इन प्योर रजिस्टिव।